सो पब्लिक स्पीकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और हर जगह पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हम घर में हो और चाहे हम मार्केट में, चाहे दुकान पे बैठे हो या चाहे हम किसी बच्चों को समझा रहे हो, हमें बोलना आना चाहिए, तभी हम उनको बात बता पाएंगे, समझा पाएंगे, कह पाएंगे। ठीक है, अब क्यों मैंने ये ट्रेनिंग रखी, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि अचानक से ऐसी ट्रेनिंग क्यों रखी। मैं आपके कांटेक्ट में नया आया हूँ, मैं अपने आपको बताना चाहता हूँ, पॉसिबिलिटी है, नए लोग मिले हैं, नए लोगों को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, दे आर फाइंडिंग समथिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। हम कहीं जा रहे हैं और वहां इस स्किल की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब मैक्सिमम आपके पास क्या है क्या नहीं, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। सो पब्लिक स्पीकिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में हेल्प करती है। आज हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो बहुत से न्यू कमर भी है और एक्सपीरियंस भी है जो हमारे साथ यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस और न्यू कमर डिफरेंस क्या है, दोनों को पब्लिक स्पीकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। द क्वेश्चन इज कि हर कोई अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता है, या जिस चीज को लोग फेस कर रहे हैं उस चीज से हम लोग बाहर आना चाहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमें अगर कुछ अप्रोच करना होता है या हमें कुछ मांगना होता है, दिस आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, या तो हम सीधा जाकर मांग लेते हैं और या तो हम डिग्री यूज करते हैं। डिग्री मतलब 1 डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। अब 3rd डिग्री का मतलब होता है कि जो बच्चे अक्सर यूज करते हैं इमोशनली ब्लेक में, हमें जो करते हैं कि नहीं मुझे दिला दो, मुझे दिला दो, मैं खाना नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, या दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर यूजिंग दैट इमोशनल पार्ट। और कभी कभी हमें ये होता है कि हमें जेन्युइन लगता है, अगर कोई आके हमें सीधा बोलता है कि पापा मुझे इस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट है, कोई वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है या हस्बैंड अपने वाइफ से कहता है कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है, और दैट इज अ जेन्युइन थिंग। लेकिन अगेन अप्रोच एक ऐसी चीज है कि आप उसे किस तरह से अप्रोच करते हो कि वो उसको इंपॉर्टेंस लगे। द थिंग इज ऑलवेज कि आप कैसे शब्द यूज करते हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बात को मनवा पाओगे या नहीं मनवा पाओगे। अब यहां पे ऑलमोस्ट 3 लोग में अपन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें बोलना है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। लेकिन 5 मिनट बोलना क्या टफ है? 5 मिनट बोलना टफ नहीं है, लेकिन वो बातें बोलना जो लोगों को समझ में आए, लोग उसको इंप्लीमेंट करें, लोग हजम कर पाए, ऐसी बातें बोलना 5 मिनट थोड़ा सा टफ है। और साथ ही साथ ये भी है कि जब हम अपनी बात को रखें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से लेकर प्रेजेंटेशन तक, हमारी आई कॉन्टेक्ट से लेकर फेशियल एक्सप्रेशन तक वो कनेक्ट होने चाहिए, तब जाके सामने वाला बंदा कनेक्ट होगा। अब सामने वाला बंदा कौन है ये भी पता होना चाहिए, हमें यही नहीं पता कि सामने वाला बंदा कौन है, हमें सुनने वाला कौन है, हमें देखने वाला कौन है, हमें समझने वाला कौन है, और हम सिर्फ बोले जा रहे हैं। सो द पॉइंट इज टेल मी वन थिंग कि कौन सी लैंग्वेज इज कंफर्टेबल फॉर यू सर? हिंदी 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 गुजराती से अपन हिंदी चाल से हिंदी। ठीक है, सो नॉर्मली अभी जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं यही लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो कम्युनिकेशन इज टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझेंगे भी। क्यों? क्योंकि सिमिलर है। बट सडनली इफ आई एम स्टार्ट इन स्पीकिंग इन गुजराती और सडनली आई स्टार्ट इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो कोई कंफर्टेबल है और कोई कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ गुजराती में बात करवाऊँ, स्टार्ट करूँ, तो तुम्हें कितनी वस्तु समझी सकशो डेट एना ऊपर डिपेंड करे छे, અને તમે કેટલું એફર્ટ લગાવશો એ સમજવામાં, જે વસ્તુ હું તમને સમજાવવા માંગુ છું, આગળના જેટલા પણ પોઈન્ટ છે ને હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવીશ, એના 2 રીઝન છે। પહેલું રીઝન કે તમને હિન્દીમાં હું જો સમજાવીશ તો તમે ઇઝીલી બેસી જશો, રિસ્પોન્ડ નહીં કરશો,
બટ ગુજરાતીમાં હું તમને કઈ વસ્તુ કહેવા જવા તો તમારું ફોકસ ક્લિયર થઈ જશે. ઇટ મીન્સ કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ વસ્તુની સ્ટાર્ટિંગ કરવા જઈએ તો આપણા સેન્સીસને એક્ટિવ કરવું પડે. હવે એ એક્ટિવ કેવી રીતે થાય? સડનલી અનકમ્ફર્ટેબલ થિંગ ઇઝ કમિંગ ઇન યોર લાઈફ. અભી તક મેં હિન્દીમાં બાત કરા તા, યુ આર કમ્ફર્ટેબલ વિથ ધેટ, લેકિન સડનલી ઇતના પોર્શન મેં ગુજરાતીમાં બોલા, કોણ ઉસકો કમ્ફર્ટેબલી સમજ પાયા? આપ ભી આપ સમજે, વો નહીં સમજા, ઉસકે લિયે આઉટ ઓફ ધ બોક્સ હો ગયા. વી આર ધ ફેમિલિયર વિથ ધ ગુજરાતી લેંગ્વેજ, ધેટ્સ વાય વી આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધેટ થિંગ, બટ વો ફેમિલિયર નહીં હૈ તો ઉસકે લિયે વો ટફ હો ગયા. તો હમ લોગો કો જબ ભી હમારે કિસી ભી સ્કિલ્સ કો અપગ્રેડ કરની હૈ તો હમે ઉસે આઉટ ઓફ ધ બોક્સ લે જાકે મહેનત કરની હોગી. જબ હમ કિસી ચીઝ કો આઉટ ઓફ ધ બોક્સ લે જાકર મહેનત કરેંગે તો હમારી પબ્લિક સ્પીકિંગ સ્કિલ ભી બહોત અચ્છે સે નિખર કર આયેગી.